जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट को समझ लें। पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई स्फीयर, रिंग, डिस्क की जगह बस पॉइंट मास है, बस ओनली पॉइंट मास, कोई शेप नहीं, पॉइंट है, और वो पॉइंट मास एक्सिस के आसपास घूम रहे हैं विद ओमेगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आई टाइम्स ओमेगा। तो आप आई की जगह क्या पुट कर सकते हैं पॉइंट मास के लिए? एम आर स्क्वायर। और ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे? वी बाय आर। तो सॉल्व करके एल क्या आएगा? एम वी आर। तो ये शॉर्टकट है। कई बुक्स एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास का यही फॉर्मूला लगा देंगी, कई बुक्स एम वी आर लगा देंगी, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट मास। अगर मान लो इस क्वेश्चन में स्फीयर होता तो आप यहां पर एम आर स्क्वायर थोड़ा ना पुट करते, 2/5 एम आर स्क्वायर पुट, तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं था। तो ये फॉर्मूला कब चल सकता है? ओनली फॉर पॉइंट मास। क्लियर है? आपने केमिस्ट्री में सुना हुआ है बोहर्स के अंदर एम वी आर इज एन एच बाई 2 पाई। तो आपको नहीं पता एम वी आर कहां से आया, अब समझ में आया इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट मास है, और इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। समझ में आ रहा है यहां तक? इतने में तो लोग नॉन मेडिकल छोड़ भी जाते हैं कि केमिस्ट्री वालों को पढ़ाना नहीं आता, एम वी आर करते रहते हैं, पता नहीं क्या है। वो बेचारा करेगा क्या एंगुलर मोमेंटम का? एंगुलर मोमेंटम तो अब समझ में आया कि क्या होता है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, और पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रूफ फिजिक्स वालों के हाथ में है, हम ही करेंगे उसके प्रूफ जितने भी आपने फॉर्मूलाज किए हैं। तो केमिस्ट्री वाले थोड़ा फॉर्मूला उसमें ज्यादा लिखवाते हैं, ऐसा होता है। चलो, एक तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, लिख दिया मैंने अगर कोई बॉडी पॉइंट मास नहीं है तो मत लगाना, फिर क्या लगाना? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा लगाना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, एग्जाम्पल कैसे आएंगे पेपर में, न्यूमेरिकल दूंगा करने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें लिखा हुआ है। कैसे? मान लो अर्थ सन के आसपास घूम रही है और रेडियस तो बराबर है नहीं, तो अभी बहुत दूर है तो रेडियस आर वन है, पास है तो रेडियस आर टू है। अर्थ एज्यूम टू बी पॉइंट मास सन के सामने, तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल वी वन है और इसकी कितनी है? वी टू है, मतलब यहां पर वी टू वहां पर वी वन है। हमने अभी डिसाइड किया था कोई भी प्लैनेट सन के आसपास घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एल हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। तो प्लैनेट घूमता है तो एल इज अ कॉन्स्टेंट, और एल किसी भी पॉइंट मास का क्या होता है? एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट। तो अर्थ के लिए एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो एम कॉन्स्टेंट के नीचे चला गया तो एक नया कॉन्स्टेंट आ गया, तो वी इन टू आर इज अ कॉन्स्टेंट। तो ऐसे केस में जब अर्थ का डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा तो वहां पर अर्थ की वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंड अगर रेडियस कम हो जाएगा तो वहां पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, राइट? तो इसका मतलब क्या समझें? अर्थ कैसे घूम रही है ये देखो, जब वो बहुत दूर है उसकी वेलोसिटी स्लो है, जब वो सन के पास आ गई, ये सन है, सन के पास आ गई, वेलोसिटी उसकी ज्यादा हो गई। ये है अर्थ की मोशन, बहुत तेज हो जाएगी और बहुत स्लो हो जाएगी। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि वी इन टू आर इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक, एक मूवी आई थी मिशन मंगल अक्षय की, तो वो बहुत टेंशन में होता है, बताता है कि भाई अगर इस ड्यूरेशन में अगर मैं सैटेलाइट उसको नहीं भेजा रॉकेट को तो ये मिशन फेल हो जाएगा हमारा। क्यों? प्रॉब्लम फ्यूल की थी, क्योंकि रॉकेट बड़ा नहीं बना सकते, फ्यूल टैंक बड़ा है, तो फ्यूल टैंक बड़ा इतनी दूर ग्रेविटी को एस्केप कर नहीं पाएगा, साइज छोटा बनाना था, फ्यूल बचाना था। तो वो ये कहना चाहता था कि जब सन के बहुत नज़दीक होगी अर्थ तो उसका आर क्या होगा? कम। आर अगर कम होगा तो अर्थ की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, इस पॉइंट पे जैसी अर्थ आएगी हम अपने रॉकेट को यहीं से प्रोजेक्ट कर देंगे, तो अर्थ की वेलोसिटी लेकर उड़ जाएगा, फ्यूल तो बचेगा। अगर 6 महीने बाद करेंगे तो फिर तो उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाएगी, उतना ही फ्यूल लगाना पड़ेगा अपने को ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो वो नाम भी लेता था पेरिजी अपोजी, तो ये पेरिजी पॉइंट है, ये अपोजी पॉइंट है, ऐसा होता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसलिए जब भी सैटेलाइट या रॉकेट्स को स्पेशली लॉन्च किया जाता है, और बड़े रॉकेट जो कि ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करना होता है, तो उनके लिए फिक्स ड्यूरेशन है, आपको पता लग गया कि कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक, अर्थ की स्पीड के साथ डिसीजन है। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है, क्वेश्चन आएगा अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही थी, अर्थ इज अ स्फीयर। अब अर्थ इस केस में थोड़ा पॉइंट मास, सन के साथ मुकाबला नहीं है इसका।
अर्थ अपने एक्सेस पे घूम रही थी और घूमती घूमती वो क्या हो गई, श्रिंक हो गई। वो ये मत पूछो कैसे हो गई, बस छोटी हो गई और रेडियस उसका आर बाय एन हो गया। पहले रेडियस आर था, आर बाय एन हो गया, मास रिमेनिंग द सेम। तो वो कह रहे हैं कि पहले अर्थ ओमेगा के साथ घूम रही थी, अब उसका ओमेगा क्या होगा। देखो तो बहुत बड़ी अर्थ ओमेगा अलग होगा, छोटी अर्थ इतनी सी हो गई तेज तेज घूमेगी, तो ओमेगा क्या होगा ये बताओ, स्पीड चेंज हो जाएगी। अर्थ जब घूम रही थी मैंने जाकर नहीं घुमाया, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। तो जब एक्सिस पे अर्थ घूमती है तो याद रखना एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था, आई वन ओमेगा वन, इसमें एम वी आर नहीं लग सकता, इट्स अंडर पॉइंट मास। तो आई वन ओमेगा वन, बाद में कितना हो गया आई टू ओमेगा टू। सारा चक्कर किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू इसमें क्या हो गई, चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, रेडियस चेंज हो रहा है। तो पहले आई कितना था, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, और ओमेगा क्या था, टू पाई बाई टी वन, और टाइम पीरियड एक्सिस पे क्या होता है, 24 आवर्स। अब कितना हो गया, टू बाई फाइव एम इंटू आर बाय एन का स्क्वायर, यहाँ पर आर बाय टू की जगह आर बाय एन करना, करेक्शन है आर बाय एन, और ओमेगा की जगह टू पाई बाय टी टू। तो सॉल्व कर लेना, टी टू आ जाएगा आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव भी आ सकता है इसमें। समझ में आ रहा है क्या लगेगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं कर रखा आपको क्या पता यार आई वन ओमेगा आई टू ओमेगा टू लगेगा। तो ये लिस्ट यही आपको हेल्प करेगी कि किस क्वेश्चन में क्या लगेगा, समझ में आ रहा है। तो आपको आइडिया हो गया ना कि अगर अर्थ ऐसे घूमेगी तो एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट, अगर अर्थ श्रिंक हो जाएगी तो आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू। अगर मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, रॉड है राइट, एक रॉड है, थिन रॉड है, अपने एक्सिस पे घूम रही थी, अपने एक्सिस पे घूम रही थी, दो बीड्स हैं, दो बीड्स उसके बिल्कुल एक्सिस पे पड़े हुए थे, एम एंड एम पॉइंट मासेज हैं बीड्स। तो हुआ क्या, घूमती घूमती बीड्स बिल्कुल कॉर्नर पे आ गए, बिल्कुल दोनों कोनों पे आ गए। अब बताओ रॉड का ओमेगा क्या होगा, पहले भी रॉड खुद घूम रही है, अब भी खुद घूम रही है, हम तो एक्सटर्नल टॉर्क लगा नहीं रहे। तो पहले केस में आई वन ओमेगा वन और अब आई टू ओमेगा टू विल रिमेन सेम। तो रॉड जब यहां पर पहले केस में घूम रही है तो उसकी आई की वैल्यू कितनी है, एम एल स्क्वायर बाय 12, गलती है, इसमें करेक्शन करना, सेंट्रल एक्सिस पे रॉड का आई क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। क्लियर है यहां तक, तो आई वन की जगह एम एल स्क्वायर बाय 12 और ओमेगा वन, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, यहां भी 12 करना, बाद में ये बीट्स कॉर्नर पे आ गए, कॉर्नर पे आने का मतलब इनकी दूरी एक्सिस से कितनी होगी, एल बाय 2। अब बीट्स आर पॉइंट मासेस, तो अब नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का तो रहेगा ही रहेगा, पॉइंट मास का क्या हो जाएगा, एम इंटू एल बाय 2 का स्क्वायर इंटू 2 और इंटू ओमेगा डैश। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर नहीं है ये, ओमेगा डैश ही कर लेना, ओमेगा डैश है बस ये, ठीक है यहां तक। तो मैंने क्या अप्लाई किया, आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू, पहले केस में सिर्फ रॉड का आई लिया, दूसरे केस में रॉड और पॉइंट मासेस का भी आई ले लिया, ठीक। तो यहां से सॉल्व करके ये करेक्शन कर लेना, यहां स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा और ये 12 आएगा, ये 12 आएगा आंसर। तो समझ में आ रहा है कि रॉड और बीड वाली प्रॉब्लम में भी क्या लगेगा, आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू, ठीक। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आएगी, एक डिस्क रोटेट कर रही थी विद ओमेगा ओमेगा वन और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वन। इस घूमते हुए डिस्क पे किसी ने एक और डिस्क आई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्लेस कर ली जेंटली, जेंटली वर्ड इंपॉर्टेंट है, झटका मार दिया, एक्सटर्नल टॉर्क लगा दिया, जेंटली प्लेस किया, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, तो एंगुलर मोमेंटम इज अ कॉन्स्टेंट, तो जेंटली वर्ड लिखा होता है। तो आपने प्लेस कर दिया, अब दोनों डिस्क का नया ओमेगा क्या होगा, रूल वही है, हमने जेंटली प्लेस किया, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट। तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था, आई वन ओमेगा वन, पहले अकेले डिस्क घूम रही थी आई वन ओमेगा वन, बाद में क्या हुआ, डिस्क के ऊपर डिस्क आ गई, तो आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा टू, ओमेगा टू।
लिखा होता है, जेंटिल फेस लिखा होता है। तो अगला टाइप का एग्जांपल है, एक रॉड टेबल पे पड़ी होगी, ये वर्टिकल नहीं है प्लीज, ये टेबल पे है, इसका टॉप व्यू दिखा रहा है, एक रॉड टेबल पे पड़ी है और ये रॉड हिंज्ड है सेंटर से, सेंटर से की लगा रखी है, अपने एक्सिस पे घूम सकती है। तो हुआ क्या, एक बुलेट आएगा एम विद द वेलोसिटी ऑफ यू, रेस्ट पे पड़ी हुई थी, इसे हिट करेगा, बुलेट हिट करते ही रेस्ट पे आ गया और रॉड घूम गई एक्सिस पे, घूमने का ओमेगा निकालो, रॉड का क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो रूल नंबर वन, कोलिजन के अंदर हमने जब लीनियर कोलिजन की थी तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट किया था, इसके अंदर एंगुलर मोशन है ना, बॉल आती है या बुलेट आता है, हिट करता है और एंगुलर मोशन जनरेट करता है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इस टाइप की कोलिजन में एल कांस्टेंट है। तो जब ये बुलेट आ रहा था, बुलेट इज अ पॉइंट मास, तब जैसे ही इसने इसको टच किया, एम यू मोमेंटम इंपार्ट किया एम यू, तो इसे लीनियर मोमेंटम ने एंगुलर मोमेंटम जनरेट किया, कितना, एम यू इंटू एच, एक्सिस से दूरी कितनी है एच, एम यू इंटू एच, तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। फिर खुद रेस्ट पे आ गया और रॉड ने घूमना शुरू किया, जब रॉड एक्सिस पे घूमती है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई टाइम्स ओमेगा, तो यानी कि एम यू एच इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा। तो एक बार बुलेट का मोमेंटम लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम जनरेट करवाएंगे और फिर वो पूरा एंगुलर मोमेंटम जो बुलेट जनरेट करेगा किसको देंगे, रॉड को देंगे, तो ये एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ से आई की वैल्यू पुट कर लेना रॉड की, एम एल स्क्वायर बाय 12 आंसर आ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप की जब बुलेट हिट करेगी तो क्या इक्वेशन लगेगी, क्लियर है यहाँ तक, एम वी एच इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा, ठीक है यहाँ तक। अगर सपोज करो सेम एग्जाम्पल है और इस बार ये हिंज नहीं है, लूज है, कोई कील नहीं लगाई, अब जब हिट होगा तो पता है क्या होगा, रॉड घूमेगी भी और रॉड का क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन भी होगा, सेंटर ऑफ मास मूव भी करेगा। पहले केस में वो हिंज थी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी, इस केस में घूमेगी भी और आगे भी जाएगी, क्लियर है यहां तक। तो सेम क्वेश्चन कैसे लगेगा, पहला रूल तो वही लगेगा, एम यू एच इज इक्वल टू आई टाइम ओमेगा, कोई चेंज नहीं, और आई की जगह एम एल स्क्वायर बाय 12, कोई चेंज नहीं, तो यहां से यू निकाल के रख लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसमें सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है और अगर सेंटर ऑफ मास मूव करता है और मैं कोई इक्वेशन सेंटर ऑफ मास पे लगाता हूं तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाती है, ट्रांसलेशन मोशन। तो यहां पर कौन सी मोशन है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मोशन सेंटर ऑफ मास पे लगती है। तो ये बुलेट आ रहा है, सेंटर ऑफ मास रॉड का रेस्ट पे पड़ा हुआ है, बुलेट रेस्ट पे आ गया और सेंटर ऑफ मास ने मूव करना शुरू किया विद द वेलोसिटी ऑफ ई सेंटर ऑफ मास, तो इसमें लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट भी लगेगा, एम यू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस एम इन टू वी सेंटर ऑफ मास, एक और इक्वेशन आ गई, बस ये इसमें एक्स्ट्रा, अगर हिंज होता तो वी सेंटर ऑफ मास क्या था, जीरो, अगर हिंज नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट भी लगेगा। तो इसमें दो इक्वेशन लगेगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एज वेल एज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, दो इक्वेशन क्लियर है यहां तक। तीसरी, एनर्जी कंजर्वेशन, जब बुलेट आ रही है रॉड तो रेस्ट पे है तो बुलेट की एनर्जी कितनी है, काइनेटिक हाफ एम यू स्क्वायर, रॉड रेस्ट पे है, ठीक, इनिशियल एनर्जी। फाइनली क्या हुआ, बुलेट तो रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, रॉड का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो ट्रांसलेशन की एनर्जी क्या, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर और रोटेशनल की क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना आपने, वी सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पुट कर देना है और यू आपने यहां निकाल रखा है, ये यू इसको यहां पुट करके जो भी है वो क्वेश्चन में देखेंगे क्या निकालना है। मतलब मेन चीज है, जब रॉड मूवेबल है हिट करने के बाद तो पहली इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरी इक्वेशन सेंटर ऑफ मास की लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और तीसरी एनर्जी कंजर्वेशन, कौन सी ऑब्जेक्टिव में कब यूज करेंगे ये मुझे भी नहीं मालूम, ये पेपर में देखेंगे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें?